सुरक्षा के हर मौके पर पुलिस अधिकारी यूपी पुलिस को जनता की मित्र पुलिस बताते हैं, लेकिन हकीकत में यूपी पुलिस का चेहरा उसके स्लोगन से बिल्कुल जुदा है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि इन तस्वीरों को देखने वाले हर शख्स के मुंह से यही निकल रहा है। पहले इन तस्वीरों को आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर इंसानियत शर्म से पानी पानी हो रही होगी। बदन पर पुलिस की वर्दी पहने ये लोग यूपी पुलिस के जवान हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि ये पुलिस जनता की मित्र पुलिस है। लेकिन हमारी मित्र पुलिस को इतना तक नहीं पता कि जब कोई बेहोश हो जाए तो उसे घसीटा नहीं जाता, बल्कि स्ट्रेचर पर लेटा कर इलाज के लिए ले जाया जाता है। लेकिन ये तो ठहरे पुलिस वाले, इनके लिए कोई नियम कानून मायने नहीं रखता। समाज को शर्मिंदा कर देने वाली ये तस्वीरें मुरादाबाद के जिला अस्पताल की हैं, जहां चोरी के आरोपी को जेल भेजने से पहले पुलिस के सिपाही मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही आरोपी अस्पताल पहुंचा, बेहोश हो गया। इसके बाद दोनों सिपाही को कुछ नहीं सूझा तो किसी जानवर की तरह इसे घसीटना शुरू कर दिया। इतने में वहाँ एक दरोगा भी पहुँचा, लेकिन बेशर्मी खत्म नहीं हुई और दोनों सिपाही बदस्तूर उसे घसीटना जारी रखते हैं। दो कर्मचारी जो है वो एक व्यक्ति को जिला अस्पताल में ले जा रहे थे, और जिस प्रकार से ले जा रहे थे वो अमानवीय था। जब पता जांच की गई तो पता चला कि वो एक अपराधी था, जिसको कि पकड़ा गया था और मेडिकल हेतु ले जाया जा रहा था, जो कि मौके पर पुलिस के साथ मेडिकल कराने के लिए कॉपरेट नहीं कर रहा था। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से वो ले जा रहे थे, उसको अमानवीय कृत्य को देखते हुए उन दोनों कर्मचारियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई। ये कटघर थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस का अमानवीय चेहरा अगर किसी एक थाने की बात हो तो शायद मान लिया जाता कि ये किसी एक की गलती है, लेकिन पुलिस की बेशर्मी की ये तस्वीरें देखिए। अस्पताल के स्ट्रेचर पर दोनों पैर में प्लास्टर लगाए बैठा ये शख्स मेरठ का रहने वाला है। नौचंदी थाना क्षेत्र में रहने वाले अमीर अहमद की माने तो खोड़ा थाने की पुलिस ने पहले आपसी झगड़े के एक मामले में उसके दो बेटों को गलत नाम दाखिल कर दिया। इसके बाद झगड़े में घायल को गिरफ्तार कर उनके साथ मुठभेड़ दिखा दिया और गिरफ्तार कर लिया। मामले की तफ्तीश कर रहे गाजियाबाद नौचंदी थाने के दरोगा भूरेन चौहान बीते 7 जुलाई को घर पर दबिश देने पहुंचे। दबिश के दौरान दरोगा घर का दरवाजा तोड़कर फोर्स के साथ घर के अंदर दाखिल हो गए। फिर मामला पूछे जाने पर घर की महिलाओं के साथ अभद्रता शुरू कर दी। इतना ही नहीं, मामले का विवेचक दरोगा छत पर आ पहुंचा, जहां उनका बेटा असद सो रहा था। आरोप है कि नशे में धुत दरोगा ने बेटे को छत से नीचे फेंक दिया। किराएदार उनका झगड़ा था मोहल्ले वालों से, वहाँ के कबाड़ियों से मिलके उन लोगों ने उन दो जो इंजर्ड थे, जख्मी थे, चोट लगे भी थे, उन्हें ही मुलजिम बना दिया गया। और उसके साथ में मेरे साले का घर है और मेरे बेटे के ससुराल है, वहाँ इनकी स्कूटियाँ खड़ी थी, वहाँ से ताला तोड़ के लेके गए। ताला तोड़ के स्कूटियों के मैं कागज थे, उन्हीं के आधार पे मेरे बच्चों को भी नामजद कराया गया। वो जो 4 आदमी थे उनमें 2 भाग गए थे, 2 पकड़ लिए थे। ये दो मामले यूपी पुलिस बर्बरता का चेहरा दिखाने के लिए काफी हैं। इन तस्वीरों को देखकर पुलिस के अधिकारियों को सबक लेना होगा और अपने कर्मचारियों को जनता के साथ सलीके से पेश आने के लिए निर्देश देना होगा। हालांकि मुरादाबाद SP ने युवक को घसीटने के आरोप में 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। अगर ऐसे ही पुलिस गुंडई करती रही तो आम आदमी गुंडों से कम और पुलिस से ज्यादा डरने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।